अभी करिए अभी आप टीम में हो यस खाली मुझे रुक जाओ थैंक यू सो मच। मेरा पहली बार मैं दिल्ली में मैंने शो किया और आप सभी के आशीर्वाद से, मेरी महादेव के आशीर्वाद से और मेरी DPIF की पूरी फैमिली के और साथ में मेरी लवली वाइफ अंकिता जाना, मेरा लवली ब्रदर वेरू जैन और साथ में माई डॉटर अविका और तमाम DPIF के टीम मेंबर के माध्यम से और दिल्ली के हमारे जो युवा प्रेसिडेंट हैं मदन दास और साथ में दिल्ली प्रेसिडेंट हमारे अजय शर्मा साहब और हमारे लीगल एडवाइज़र नेशनल हमारे रविंदर जी और हमारे शैलेश दुबे जी, तो इन सभी की आशीर्वाद से, इन सभी की दुआ से मैं पहली बार दिल्ली गया था, डरा हुआ था। मैं सच बोले तो दिल्ली दिलवाले को है लेकिन झूठे लोग इतने हैं दिल्ली में, तो मैं डर गया था बेसिकली। मैं पता नहीं क्या होगा और सब लोग झूठ बोल रहे हैं और मतलब हर मोड़ में झूठ चल रहा था वहाँ पर। लेकिन महादेव का आशीर्वाद बोलते हैं ना भाई, तुम कुछ काम में निकल पड़े हो और उस काम को तुम्हें करना है और अंजाम तक आपको लेके जाना है, तो वो काम तो होना ही है। तो जिस तरीके से मैंने शुरू किया था, लोगों ने बोला चिंता मत कर कल्याण जी, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, पीछे तक कोई नहीं है, खाली वीरू और मैं खड़ा हूँ और हमारे मदन दास। तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ रविंदर जी को जो हमारे नेशनल लीगल एडवाइज़र है और साथ में जो दिल्ली स्टेट है प्रेसिडेंट है अजय शर्मा जी, उनकी पूरी टीम, उनकी भाई संजय जी, इसके अलावा मदन दास बोल के है जो हमारे युवा अध्यक्ष है दिल्ली के, इन लोगों ने जो साथ दिया मुझे और इन लोगों से जिस तरीके से मुझे साथ देने के बाद जिस तरीके से मैंने काम किया दिल्ली में, इसके अलावा काफ़ी लोगों ने साथ दिया, जैसा मरीज भाई है हमारे बॉम्बे से, इसके अलावा डॉक्टर अजय सहाई है जो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे नाम है, मैं थक जाएंगे नाम लेते लेते, उन सभी के आशीर्वाद से जिस तरीके से हमने काम किया, ये शो किया जिसका नाम है द DPIF आइकॉनिक अवार्ड और DPIF मिस एंड मिसेस इंडियन कल्चरल फैशन शो, ये बहुत ही अच्छा से किया हमने। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार रजा मुराद साहब और सुरेंद्र पाल साहब, ऐसे तमाम स्टार यहाँ से गए थे। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री मेरे गुरुजी पुरुषोत्तम रूपाला सर और इसके अलावा हमारे स्टेट प्रेसिडेंट भारत सरकार के फग्गन सिंह कुलस्ते जी और इसके अलावा तमाम और मिनिस्टर्स MLA MP, इन सभी ने मुझे बहुत साथ दिया और सभी ने शो में आने के बाद शो में और जान आ गया। तो काफ़ी सारे MP, काफ़ी सारे मिनिस्टर, काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे समाज सेवक, काफ़ी सारे वहाँ पर काफ़ी सारे लोग वहाँ पर उस शो में आए थे और बॉम्बे से काफ़ी सारे लोग गए थे, जैसे काफ़ी सारे जब स्टार हो गया, सिंगर हो गया, कॉमेडियन हो गए, ऐसे सारे काफ़ी सारे वहाँ पर निवेदिता बाशु वहाँ पर गए थे और बहुत अच्छा उन्होंने मुझे साथ दिया, ऐसे काफ़ी सारे लोग गए थे। तो ये सब जाने के बाद इस शो इतना अच्छा हो गया,
जैसा इस साल हमारी 20 तारीख को मतलब 20 अप्रैल को कोटा में एक बेहतरीन अवार्ड शो होने जा रहा है जिसका नाम है द DPIF राजस्थान पुलिस आइकॉनिक अवार्ड। मतलब हम राजस्थान पुलिस का सम्मान करने जा रहे हैं और ये 30 तारीख को होने जा रहा है कोटा में, जहाँ पर कुलविंदर सिंह साहब जो है हमारे वो वहाँ का अध्यक्ष है, वो पूरा घेरा उठाया है इस काम के ऊपर। उनकी पूरी टीम, पूरी कुलविंदर सिंह जो है पूरा उनकी टीम उसके साथ में उनकी टीम के साथ में हमारा टीम DPIF की टीम ये पूरा मिलकर राजस्थान में इसी 30 अप्रैल को कोटा में एक बेहतरीन शो होने जा रहा है। मैं हमारे युवा अध्यक्ष को धन्यवाद करता हूँ, गौरव शाह, वो बहुत मतलब साथ दिया उनकी, गौतम जी है हमारे, उत्तम जी है, उत्तम बंसल जो है उन्होंने बहुत साथ दिया, मतलब सभी लोगों ने DPIF के जो जो लोगों ने दिल्ली गए थे, मतलब हमारे संपूरा दीप्त संपूरा, पराग संपूरा, उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी घर के पूरे लोग, मतलब मेरे अंकिता के जो पूरी माँ बाप सब गए थे, तो सभी का मतलब सपोर्ट मिला। हाँ, ये आपने सही पूछा सर, क्योंकि जिस मुंबई शहर में मैं हूँ तो उस मुंबई पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं हिंदुस्तान के तमाम जितने भी स्टेट के पुलिस हैं उन सभी पुलिस को, सभी आर्मी को मैं नमन करता हूँ, मैं सर झुका के। और जिस मुंबई में मैं रहता हूँ, जिस मुंबई में मैं रहकर जिस बड़ा हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ, जिस मुंबई में रहकर मैं काम कर रहा हूँ, तो वो सबसे लोग बोलते साहब सबसे प्यारा अगर पुलिस है तो मुंबई पुलिस है, तो सभी पुलिस अच्छा है, लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं। और मैं देखा हूँ हमारी मुंबई पुलिस बहुत ही प्यारे हैं। इस मुंबई पुलिस के लिए हम लोग एक बेहतरीन शो हमने ऑर्गेनाइज किया है द 24th of June, मतलब 24th June को हम लोग द DPIF मुंबई पुलिस आइकॉनिक अवार्ड ये हम लोग करने जा रहे हैं 24th June को। और 24th June को हम लोग एक खूबसूरत एक अवार्ड शो लेके आ रहे हैं जो DPIF सरस्वती बाई फाल्के, सावित्री बाई ये फाल्के द गोल्डन अवार्ड, ये एक हम लोग शो लेके आ रहा है द नया शो द DPIF सावित्री बाई फाल्के द गोल्डन अवार्ड। ये दिन में होगा और शाम को अपना मुंबई पुलिस होगा, मुंबई पुलिस के तमाम ये बेसिकली उमंग होता है, उमंग बहुत बड़ा होता है, उमंग के हम तुलना नहीं कर सकते क्योंकि उमंग बहुत बड़ा होता है और बड़े बड़े स्टार आता है वहाँ पर, लेकिन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मुंबई पुलिस के ऊपर उनको सम्मान करने के लिए। बेसिकली हम लोग हर रोज हर संडे हम लोग सम्मान करते ही है उनकी पुलिसों की, में जाके उनको हम सैल्यूट करते हैं, उनके काम को जज्बा को हम नमन करते हैं, एवरी संडे हमारा टीम पूरा जाके करते हैं। लेकिन पहली बार मुंबई पुलिस के लिए हम लोग एक सम्मानित करने जा रहे हैं ये 24th of June को। और ये मुंबई पुलिस की बेसिकली उमंग में क्या क्या होता है, मुंबई पुलिस को सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा जो ये जो है इसमें मुंबई पुलिस के साथ साथ में मुंबई पुलिस के फैमिली को हम सम्मान करते हैं। मतलब मुंबई पुलिस तो वहां पे खड़े रहेंगे उनकी जो हम जिसके हम नाम चुनेंगे, लेकिन उनकी जो फैमिली है, जो वो कभी भी वो जाते हैं घर तो वो उठ के खाना ग्रहण करके वो खिलाते हैं, वो जब ड्यूटी आता है तो उसके 2 घंटा पहले उठ के वो खाना बना के डब्बा देते हैं उनको, तो बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उसको कोई दिखाते नहीं। कब दिखाते मालूम है, जब वो कोई शहीद हो जाता है तब उसकी फैमिली को याद करते हैं, जाके वहां पे राजनीति होता है, उसके पहले क्यों आप उसको आप उनको सम्मान करते हो, शहीद होने के बाद उनके परिवार के पास जाके टीआर के पानी के लिए, राजनीति पाने के लिए आप जाके वहाँ पर बहुत सारे वादा करते हो, बहुत सारे वहाँ पर रोने का ढंग करते हैं वहाँ पर, लेकिन जिंदा होके जिंदा है हमारे शहीद नहीं हुआ उसके पहले क्यों नहीं उनकी उनकी फैमिली को उनके परिवार को आप सम्मान आप क्यों नहीं कर रहे। तो पहली बार ऐसा होगा जो DPIF मुंबई पुलिस आइकॉनिक अवार्ड में जहाँ पर पुलिस के फैमिली का हम सम्मान कर रहे हैं, जो जो पुलिस का हम चुनेंगे मुंबई में उनकी जो परिवार है उनका हम सम्मान कर रहे हैं। हाँ, मुंबई में इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुंबई से भी मेरा प्यार है, लेकिन मैं सोचा कि दिल्ली एक बार कर लूँ। मुझे अड्डा ने बोला था कल्याण जी मुंबई छोड़ दिया, मैंने बोला भाई मैंने नहीं छोड़ा मुंबई, मैं करने वाला हूँ और दलविंदर जी मैं मुंबई में करेंगे, मेरे तमाम मीडिया, मेरे तमाम बंधु, मेरी भाई है, मेरी जान है, उनको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं आज बुलाया मैं सबको मिलने के लिए प्रेस कर। बहुत दिनों के बाद मैं
मेरे भाई को, मेरी मीडिया को, मेरी मेरी जान को मैं मिल रहा हूँ। तो मेरा मैं बहुत टाइम से मैं धर्मेंद्र को बोल रहा भाई मैं अपन कुछ करते हैं, कुछ करते हैं मीडिया को बुला के। तो आज वो समय मिला तो मैं धन्यवाद शो को खड़ा करते हैं, उन सभी को मैं नमन कर रहा हूं। लेकिन आप जो शो करते हैं वो अलग शो होता है, उसका अलग नाम होता है। लेकिन कल्याण जी के पीछे मत पड़ो घुस घुस के। तो कल्याण जी जो शो करता है वो अलग शो होता है, उसका अलग ही टाइटल होता है, उसका अलग ही थॉट होता है। वो थॉट तुम कभी जिंदगी में नहीं वो कर पाओगे, शायद नेक्स्ट जन्म में कर पाओगे। कल्याण जी की कल्याण जी थॉट अलग है, वो सोचता है कि समाज के लिए, देश के लिए, तुम वो कर नहीं पाओगे, तुम लोग पैसा कमाओगे। तो मैं कल इतनी बोलता हूं जो भाई मैं इसीलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे खींचने वाले बहुत है और पीछे बोलने वाले बहुत है। तो अभी थोड़ा सा मैं जब दिल्ली चला गया तो स्टॉप हो गया है, लेकिन मैं जब स्टॉप हो गया तो मैं एक शो मान लेता हूँ मैं दिल्ली में 24 मई को, एज अ बहुत ही प्यारा शो है जिसमें दलविंदर साहब ने मुझे संभाला था, उनकी पूरी टीम, पूरी मीडिया मुझे संभाला था। इज द वन शो, इज द वेरी बहुत अच्छा शो है वो मेरा हुआ था, होते होते वो रह गया था। और दो दिन मैंने शो रंग शारदा से मैंने सीधा लेके आया था मैं ऑर्चिड में, आप सबको पता रहेंगे, दो दिन के अंदर शो मैंने ऑर्चिड में लेके आया था। वो शो का नाम है नारी शक्ति आइकॉन अचीवर अवार्ड और बिजनेस ग्लोबल आइकॉन अचीवर अवार्ड। ये दो शो जो है मैं दिल्ली कर रहा हूँ 24 मई को, द नारी शक्ति आइकॉन अचीवर अवार्ड और बिजनेस ग्लोबल आइकॉन अचीवर अवार्ड, जिसमें हर स्टेट के 3 एमएलए महिला एमएलए, हर स्टेट के, जिस स्टेट में महिला एमएलए नहीं, जिस तरह मिजोरम में नहीं है, मणिपुर में एक है, मतलब जहां जहां कम है, जैसे छोटे जहां पे स्टेट है वहां पे ना महिला एमएलए नहीं है, लेकिन जिस स्टेट में महिला एमएलए है ऐसे 3-3 स्टेट से महिला एमएलए आएंगे और एक एक स्टेट से एक महिला एमपी, मतलब एक स्टेट से एक एमपी महिला एमपी और 3-3 एमएलए, मतलब वहां पर 25 एमएलए होगा वहां पर, और वहां पर कम से कम 15-20 एमपी होगा वो भी महिला। इसके अलावा फिल्म स्टार होगा वहां पर वो भी महिला होगा, क्योंकि 120 महिला का आप सम्मान कर रहे हैं, जिसमें समाज सेविका होगा, नगर सेविका हो, ये होगा। उसके उसके अलावा वहां पर कुछ किन्नर समाज को हम उनको सम्मान कर रहे हैं, जो कुछ एडवोकेट है वो भी महिला में हम उनको लेके आ रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रही है उन लोग। तो ऐसे कुछ मतलब अच्छा, मतलब जिन्होंने गांव में, गांव से हम लोग एक महिला को लेके आ रहे हैं जिसका एज है 75 एज ओल्ड, जिन्होंने पूरी गांव को संभालता है, ऐसा ऐसे महिला को लेके आ रहे हैं। एक महिला को लेके आ रहे जिसके दो पैर नहीं है लेकिन इस लॉकडाउन में 5 गांव को संभाला उसने, ऐसी महिला को लेके आ रहा है। एक महिला है गुजरात में जिसने बाइकर गैंग बोलता है, बाइकर टीम बोलता है, बाइक चलाते हैं। और ऐसे काफी सारे अलग 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 क्षेत्र से हम लोग एडवोकेट से पुलिस से सब हम लोग लेके आ रहे हैं। द नारी शक्ति आइकॉन अचीवर अवार्ड, इसके अलावा द बिजनेस ग्लोबल आइकॉन अचीवर अवार्ड, जिस बिजनेसमैन ने अपने माँ बाप, उनकी उनकी जो माँ बाप है, उनकी माँ बाप ने जिस तरीके से कोई ऑटो चला के, कोई घर में पोता मार के, कोई भाजी बेच के, कोई ठेला लगा के, लेकिन आज एक सफल, उसकी जो उनको पढ़ाया लिखाया, आज सफल बिजनेसमैन बना है, आज वो सफल बिजनेसमैन बना है। तो ऐसे बच्चे को, ऐसे बिजनेसमैन को हम सम्मान कर रहे हैं, वो भी उनके माँ बाप के हाथों से। मतलब पहला ऐसा शो होगा
जो जिस माँ बाप गुरु के वजह से हम यहाँ तक आए हैं, आज तमाम जो मीडिया का मीडिया है, जो उनके माँ बाप के वजह से, उनके गुरु के वजह से आप हो, चाहे आप कैमरा पकड़ के खड़े हो, लेकिन आपके कोई ना कोई गुरु होगा, कोई ना कोई फील्ड हो, ये होगा गुरु। तो वो जो गुरु को हम भूल जाते हैं, माता पिता को हम भूल जाते हैं, जब हम स्टेज पे जाते हैं तो हम सिर्फ क्या करते हैं, हम अवार्ड लेते हैं, माँ बाप को नहीं लेके आते। तो ये पहला ऐसा अवार्ड होगा जहां पर बिजनेस ग्लोबल आइकॉन अचीवर अवार्ड में माँ बाप आएंगे और माँ बाप के हाथों से उस बच्चों को अवार्ड दिया जाएगा। इज अ न्यू कॉन्सेप्ट हमने लेके आया, सबको अच्छा लगेगा, इमोशन होगा वहां पर, बहुत सारे बातें होगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें होंगे वहां पर, क्योंकि पहला ऐसा शो होगा। तो इस टाइप से हम लोग ये शो को 24th ऑफ मई को हम करने जा रहे हैं। कामयाबी राज ये है जो हम लोग अंडरस्टूड है, हम दोनों, मैं जो बोलता हूँ वो समझता है, वो जो बोलता है मैं समझता हूँ। काफी लोगों ने तोड़ने का कोशिश भी किया, काफी लोगों ने, काफी वो चुतिया है कल्याण जी का, उसके साथ पड़े रहता है यार, तो अपना काम कर, अपना बिजनेस कर, क्या शो वो करते रहता है यार। काफी लोगों ने बोलता भाई मैं तुम्हारा साथ हूँ। मैं जब बिनु को मिला था पहली बार तो मैंने उसको एक ही बोला था, मेरा साथ देना, क्योंकि मैंने बहुत दुख झेला हूँ मैं इस मुंबई शहर में। काफी लोगों को मैं डांस सिखाया, काफी लोगों को मैंने असिस्टेंट था मेरे डांस से लेके अभी तक, मैंने काफी लोगों को मैंने साथ दिया, काफी लोग आज गाड़ी में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैंने बोला बिरू साथ देना मुझे, खाली देखना मैं क्या धमाल करता हूँ आने वाले कल, क्योंकि मैं घोड़ा हूँ ना, गधा नहीं हूँ। ना घोड़ा कभी सोता है, ना कभी थकता है, ना कभी वो रुकता है, उससे भागते रहता है। और मेरा भागना जो होगा वो होगा ईमानदारी, वो नहीं जो घमंड का भावना, माफ करना। मैं आज भी पैर पड़ता हूँ, कल भी मैं पैर पड़ेगा, कल भी आज भी हाथ जोड़ता हूँ, कल भी मैं हाथ जोड़ूंगा आप सभी को। लेकिन वो भागना होगा मेहनत का भागना, ईमानदारी का भागना, वो नहीं है जो मैं घमंड में भागेगा, नहीं भैया घमंड रावण का निवाद हमारा क्या होगा सर। तो जब मैंने बोला उनको, मैंने बोला वीरू मेरे साथ देना, और जब हमने टीम बनाया, जब टीम टूटा, मेरा डीपीआर का टीम जब टूट रहा था, तभी भी मुझे एहसास मिल गया था वीरू ये टूटेगा। और ये सब जो मुंडू हमने इतना प्रमोट किया ना, होर्डिंग्स में, बैनर्स में, पोस्टर में, ये सब साले मुंडू जाएगा मेरे को छोड़ के, इसको मैंने पहले ही बोल दिया था। मैं वो पहले एक महादेव का पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं है महादेव का क्या है, वो मुझे बोल ही देता है तो ये समझ आएगा। और मैंने टाइम भी नहीं दिया, मैं वीरू को जब 3 से 4 महीने का, मैं ये सब साले मुंडू को जो आज मैं ऊपर होर्डिंग में लगा रहा हूँ, पोस्टर में लगा रहा हूँ, ये सब साले छोड़ के जाएगा, उन्हें अपना ग्रुप बनाएगा। लेकिन वो सब छोड़ के गया, वो जहां भी रहे अच्छा रहे, महादेव इसको अच्छा रखे, सुख रखे, अच्छे से रखे, बहुत पैसा कमाए, मुझसे ज्यादा पैसा कमाए, पैसा क्या करना सब यह रहना है, उससे भी ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा कमाए। लेकिन खाली इतना ही बोलना है, वैसा मुझे गद्दारी से धोखा दिया, ऐसा किसी को मत देना, कल्याण जी है धोखा बहुत खाया है, बहुत गिर के उठा है, इसको गिर के उठना आता है, बाकी पता नहीं कोई अगर गिर गया तो उठना नहीं आता तो भाई हफ्ते हो जाएगा, मर जाएगा भाई, तुम्हारा नाम पे आएगा। तो मैं कल इतनी बोलता हूँ, इसको, इस इंसान को दिल्ली में गया, दिल्ली में भी बहुत लोग बोला इसको, अरे यार तुम दिल्ली आते हो कल्याण जी के साथ, इतने समय रहते हो यार, इनके परिवार में भी जाके खाना खा के, घर में खाना खा के इसके माँ बाप को बोलता है यार तुम्हारा किसके, तुम्हारा बेटा कल्याण जी के साथ में जा रहा है यार, क्या है, कुछ तो करने बोलो उसको, काम धंधे करने बोलो, क्या वो जाता है ऑफिस, वहां बैठता है, वो शो करता रहता है, इसमें थोड़ी मेरा लाइव है। आज मैं बता रहा हूँ कैमरा सामने जो बीरू को बोलता था, आने वाले 2 साल तुम लोग ना, घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, मिल भी नहीं पाओगे इस गरीब आदमी को, ये जितनी बोलते थे ना वीरू को मेरे खिलाफ 2 साल से, जैसे एमएस ने, एमएनएस पार्टी राज ठाकरे साहब ने बोला जो 3 थे, तो मैं आपको बता रहा हूं 2 साल के बाद घमंड से, मैं माफ करना,
ये जितने ही बोलते थे ना मिल नहीं पाओगे, तुम लोग खुद ही बोलोगे भाई बिरु को बोलोगे भाई कल्याण जी को मिलना है, वो गरीब आदमी है ना उसको मिलना है, और मैं गरीब आदमी बन के ही रहेगा, मैं नाम भी रहेगा गरीब आदमी, मैं गरीबों का एक्टर भी रहेगा गरीब आदमी भी रहेगा, लेकिन तभी मैं ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा वाला करेंगे नमस्ते, एक होता ऐसा वाला एक होता ऐसा नमस्ते। तो मैंने गुरु को बोला ऐसा नमस्ते करना, फिर से आएगा फिर से पूछ मारेगा। तो दो साल जितना मांगना है मारो, दो साल में कल्याण जी क्या करके देगा इससे महादेव का पता है, क्योंकि दो साल का पूरा लिस्ट मेरा यहां है और मेरा यहां है और मेरे महादेव के पास है। तो ये दो साल का जो मेरा टारगेट है, एक ही आदमी गिरा सकता है, एक ही आदमी तोड़ सकता है, एक ही आदमी मुझे गिरा के मार सकता है, वो से महादेव, बाकी तुम लोग कोई नहीं कर सकते। दो साल में करके दिखाएगा, ये मेरा टारगेट है, और मेरा मुंह में तुम लोग का तमाचा मारेगा जिस दिन मैं कुछ करके दिखाएगा। बिल्कुल भाई, आप क्या करने जाएंगे दोस्ती के बारे में, जो बातें की है जी आपके बारे में, और जो आपको बहकाने वाले लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसे कि आपने बताया, ये अभी से नहीं, जब से जुड़ा तभी से चल रहा है, ये लगभग दो साल पहले की बात है। जिन्होंने जोड़ा था उनने तोड़ने की कोशिश की, और एक आधी बार मुझे पहले मन में ऐसा आया भी था मैं क्या कर रहा हूँ, पर जैसे ही मैंने इनका काम देखा, इनके साथ जाना चालू किया, तो मुझे लगा इंसान दिल से काम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। और जैसे लॉकडाउन के समय में सब घर बैठे थे, ये अकेले जो इन्होंने शुरुआत की थी, जैसे बाहर जाना, घर घर जाना, गली गली में जहाँ पे बैनर लगा हुआ था वहाँ पे जाना, लोगों के राशन देना, तो सामने आंखों खुल के मैंने काम देखा है। लोग तो काफ़ी लोग बोले, पर जो बोलते हैं उन्होंने कुछ किया नहीं था, जो घर बैठे से बात कर रहे थे, मैंने सामने देखे उनके साथ काम किया और देखा साथ में कि जो बोल रहे हो सही में काम कर रहे हैं। और ये हकीकत है, महादेव के ऊपर इतनी कृपा है, और एक गॉड गिफ्ट जिसे कहते हैं, वो पहले इनको कुछ अलर्ट हो जाता है कि ये होने वाला, ये करने वाले ऐसे लोग। और जैसे लोग कुछ जिन्हें गुरु कहते थे, मेंटर जैसे मानते थे, आज उन्होंने भी धोखा दे दिया, पर कोई नहीं, महादेव तो सब ऊपर वाले देख रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। और इनकी मेहनत को, इनके काम को मैं सैल्यूट करता हूँ, और आने वाले हर समय में, हर मुश्किल घड़ी, तो अभी ऊपर वाला नहीं दिखाएगा, जो भी अभी अच्छा ही होगा, मेरा साथ हमेशा इनके साथ रहेगा और हमेशा इनके साथ ही हूँ, चाहे जो भी आके बोल दे, हमें कुछ किसा फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, मैं अच्छा अच्छा क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है मेरा भाई, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे मीडिया को जो मेरी बातों को आप लोग झेल रहे हो। तो मेरा शो के पहले मैं एक डांस मास्टर था, आज भी हूँ, आज भी डांस करता हूँ मैं, और महादेव के आशीर्वाद से जहाँ भी करता है, पता नहीं सब रुक जाता है, मेरा वीडियो लेता है, तो वो मेरा खून में है, गॉड गिफ्ट है, तो मैं महादेव को नमन करता हूँ मैं। इसके अलावा मैं एक वीकली पेपर में चलाया करता था, आज मैं बस फिर से इसमें शुरू कर रहा हूँ, दार्शनिक मुंबई। इसके बाद मैंने एक्टिंग करना शुरू किया, मेरा सफ़र ढूंढ लेंगे मंजिल हमसे शुरू हुआ, उसमें काफ़ी से लोगों ने साथ दिया, जैसे हिमांशु झुंझुनवाला, संजय भूषण पटियाला, और काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे ब्राइट के आउटडोर मीडिया पार्टनर जोगेश लखानी जी, जिन्होंने मुझे 30 होर्डिंग दिया था, तो काफ़ी लोगों ने मुझे साथ दिया था, और तमाम मीडिया वाले यहाँ पे जितने भी हैं, सब मीडिया वाले मेरे को उस टाइम से मुझे साथ दे रहे हैं जो यहाँ पर है मेरे पास। तो मेरा फिल्म के बाद मैंने और भी 3-4 फिल्म मैंने बनाया, मेरी होम प्रोडक्शन, मैंने काफ़ी सारे वेब सीरीज मैंने काम किया, जिसका एक वेब सीरीज अभी रिलीज हुआ है जिसका नाम है डार्क क्लू, विट्ठल सर को मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा मेरा एक फिल्म आ रहा है, एक वेब सीरीज आ रहा है पाताल पानी, जिसमें जरीन खान है, काफ़ी सारे बड़े स्टार हैं, जिसमें राज आशु जी को मैं नमन करता हूँ मैं। काफ़ी सारे और भी वेब सीरीज मेरा आ रहा है, लेकिन इसके अलावा मैं एक दो फिल्म मैं बनने जा रहा हूँ। एक फिल्म का नाम है, क्योंकि मीडिया को लेके ही मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, एक फिल्म है जिसका नाम है भोजपुरिया डांसर, एक भोजपुरी इंडस्ट्री में एक फैमिली पैकेज, एक फिल्म होगा जिसमें जो डांस का जो मेरा पैशन है, मेरे अंदर जो छुपा हुआ है, जो मैं सिखाता हूँ, मैं करता हूँ स्टेज पे, मैं जाता हूँ पर्दे में भी आए, तो पहली बार भोजपुरी फिल्म मैं जा रहा हूँ बनाने के लिए, जिसमें संजय भाई मुझे बहुत साथ दे रहा है, और एक बेहतरीन फिल्म है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, भोजपुरिया डांसर। इसके साथ साथ में शूटिंग हमारा यूपी में है, इसके साथ साथ में मेरा एक फिल्म और एक है जिसका नाम है
जय श्री राम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, द रियल पार्ट का था यूपी, एक जय श्री राम और एक हिंदी फिल्म होगा और भोजपुरी डांसर जो है ये भोजपुरी फिल्म होगा, लेकिन अवधि होगा भोजपुरी में, अवधि होगा जिसमें भोजपुरी हिंदी दोनों मिक्स रहेगा। तो ये दो फिल्म का शुरुआत हम 24 मई को कर रहे हैं, मतलब उसका पोस्टर लॉन्च कर रहा है जिसमें हमारे राजू सर जो है वो डायरेक्शन कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म को, और हिंदी फिल्म का अभी हमने सोचा नहीं है, लेकिन राजू सर जो है मेरे जो भोजपुरिया, राजू सर ने काफ़ी सारे भोजपुरी फिल्म उन्होंने किए हैं, कम से कम नहीं तो 50-60 फिल्म किए हैं, बड़े बड़े स्टार को, भोजपुरी के स्टार को उन्होंने आगे ले किया है। तो भोजपुरिया डांसर जो मेरी फिल्म है उसमें राजू सर हमारे उसमें हमें साथ देगा, बहुत अच्छा जुगलबंदी हम दोनों का, भाई का रोल है ये, मुझे मेरा भाई मुझे किडनी बेचकर, वो मुझे बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। तो एंड थैंक यू सो मच, मेरे को झेला आप लोगों ने, मेरी बातों को आपने कैप्चर किया आपने कैमरा में, एंड थैंक यू बोलना चाहता हूँ खाली मैं आप सभी को जो आशीर्वाद दीजिए आप सब लोग। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे DPI के तमाम टीम मेंबर, गरुजेन, मेरा अंकिता, लवली वाइफ, मेरे मेरे लीगल एडवाइज़र सरेश दुबे जी, मेरे रविंदर जी, मेरे और स्टेट प्रेसिडेंट, जितने ही मेरे स्टेट हैं सब, सभी के स्टेट प्रेसिडेंट, मुंबई के स्टेट प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र के स्टेट प्रेसिडेंट, ये महाराष्ट्र के ये प्रेसिडेंट, इसके अलावा DPI के तमाम जितने भी पद में है उन सभी मेंबर को मैं धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ एक अजय सहाय जी को जिन्होंने बहुत साथ दिया मुझे, जो हमारा बैन एम्बेसडर है हमारे NGO का, और इसके अलावा जो हमारा काम जो मैं कर रहा हूँ वो मैं करते रहेगा, हमारा जो शो हो रहा है वो शो होते जाएगा, इसके अलावा मैं काफ़ी सारे और भी चीज़ मैं लेके आएंगे और दिन के दिन आपको मिलते जाएगा, और बस दुआ करो 24 मई को मेरा शो अच्छा हो, और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी को 24 मार्च को जो मेरा शो हुआ DPI आइकोनिक अवार्ड, इसका बहुत ही प्यारा शो हुआ, एंड थैंक यू सो मच आप सभी को, नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव, थैंक यू। जाएंगे कल्याण जी ने एक सफल इवेंट ऑर्गेनाइज किया DPIF आइकॉनिक अवार्ड्स आते हैं DPIF मिस एंड मिसेस इंडियन कल्चरल फैशन शो दिल्ली में, आप हमें सहयोग करते हैं उनका, क्या कहेंगे उनके बारे में? जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि DPIF जो है पिछले कई सालों से ये प्रोग्राम करता आ रहा है, जैसे कि कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से मैं दिल्ली नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरी शुभकामनाएं कल्याण जी के साथ में थी, और आगे भी होने वाले प्रोग्राम के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, और आप लोगों का जो सहयोग मिलता है इससे ये प्रोग्राम और ज़्यादा सफल हो पाता है, और जो अभी प्रोग्राम हुआ बहुत ही अच्छा, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं कई सालों से भाई के साथ में लगा हुआ हूँ, और जो दिल्ली में शो किया सक्सेसफुल हुआ और उसके लिए बधाई देता हूँ मैं कि ऐसे ही आप दिन रात बढ़ते रहें, सफल रहें। और एक फिल्म मैं करना चाह रहा था बहुत दिन से, काफ़ी पहले मैंने बोला था कि भाई कुछ करना है, अच्छा करना है, तो भोजपुरिया डांसर जो करने जा रहे हैं हम लोग, और भाई को जो भी मेरे से मतलब काफ़ी एक्साइट सब्जेक्ट है और बहुत इमोशनल दो भाइयों का सब्जेक्ट है, और ये लोग दोनों बहुत ही मेहनती कलाकार, तो आप तो जानते हैं गरीबों का एक्टर है मतलब वो स्टार है, और काफ़ी कोशिश काफ़ी लोगों के साथ में है, मुंडे साहब भी जानते हैं पहले से ही कि काफ़ी एक्टरों को पुश किया है, जितना अपने से होता है ईमानदारी, आज तक ईमानदारी से चल रहा हूँ, वो डायरेक्टर नहीं हूँ मैं कि सुबह बोलते शाम को भूल जाते, मैं उस एक्टर के रग रग में घुसने की कोशिश करता हूँ, उस सब्जेक्ट में घुसने की कोशिश करता हूँ, जैसे रवि साहब थे तो मेरा नेक्स्ट जो है रवि साहब ये बन जाए। तो क्या करने जाएंगे शैलेश जी, आपके हमेशा सहयोग करते हैं राजू जी के साथ, प्रेरित करने मैं शैलेश साहब जो है मेरा बहुत बड़े बड़े भाई है, मेरे गुरु है, मैं जब उनको मैं मिला था तो मैं ऐसा लगा नहीं था, मेरा मतलब पहली बार हम लोग मिल रहे हैं। इनकी दोनों भाई जब भी सुधीर जी और शैलेश जी जब भी मेरा प्रोग्राम हुआ, दोनों भाई जिस तरीके से टाइम पे पहुंच जाना,
वहाँ बैठना, वहाँ पे सहयोग करना। आज मैंने विनायक मेरे तिलान जी, मैं थोड़ा सा मेरा जाना है किधर, लेकिन मैं पक्का आएगा तुम्हारे पास। तो टाइम निकल के जो मुंबई शहर में एडवोकेट है, आज उनके बहुत सारे में काम होते हैं, सब टाइम निकल के मेरे पास आ जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं नमन करता हूँ सर आपको। और मैं ये भी बोल दूँ, अब आप मीडिया के सामने, DPIF अगर बना है, ये ऑर्गेनाइजेशन अगर वो कोई लेके आया अगर, तो इस NGO को रजिस्टर करने में सबसे बड़ा हाथ अगर कोई है तो इस इंसान के पास है। मैं इसलिए ताली बजाता हूँ सबके सामने, मैं जितने भी मीडिया है उनके सामने मैं ताली बजाता हूँ, क्योंकि सैयद साहब के वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बना। बहुत दिक्कत आया, उधर भी दिक्कत आया, जहाँ पे भी हमें नाम डाला था उधर भी दिक्कत आया, क्योंकि इस नाम का आपको नहीं मिलेगा। जब मैंने 2019 में शो करने लगा उधर भी दिक्कत आया, 6 जगह मेरा केस हो गया था पुलिस चौकी में। उसके बाद भी मैं, उसके बावजूद भी मेरा शो किया था रामशारदा में 2019 में, तो दिक्कत मुझे आता ही है और मैं तो लड़ाई करने वाला बंदा हूँ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सुधीर जी को, एडवोकेट को, और शैलेश जी को, जो दोनों भाई जिस तरीके से सपोर्ट करा ऐसे सपोर्ट करें। और हर वक्त मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहिए और आपकी पूरी परिवार मेरे साथ रहता है, कि आप कभी भी लेट जाते हो घर में तो आपके परिवार बोलता है कल्याण जी के पास गया, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड जो है हम सबके साथ में, आपके साथ में, मेरे साथ में, ये जिंदगी भर रहे। बाकी कितने लोग आएंगे कितने लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग एक जुड़े हैं, हम लोग एक NGO के अंदर हैं, और आप पूरे NGO का वाइस प्रेसिडेंट है बेसिकली देखा जाए तो, और उसके बाद आप लीगल एडवाइजर है नेशनल में, प्रवक्ता भी है आप, तो बहुत सारे भार है आपके कंधे में DPIF का। और राजू सर में इतने बोलता हूँ, बहुत टाइम से हम सोच रहे थे, एक साल से सोच रहे थे एक फिल्म हम लोग बनाए। तो मैंने बोला हिंदी में तो पता नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन कम से कम भोजपुरी ट्राई किया जाए, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, जमाना है। मैं कोई बड़ा खूबसूरत नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा हगलाता हूँ मैं बीच बीच में, तो मेरा सच्चाई है, मैं हगलाता हूँ, मैं कभी कभी बात करना स्टॉप कर देता हूँ। मगर जाना भाई, हगला बहुत बड़ा स्टार है आज की डेट में, तो शाहरुख खान है सबके सामने बोल दूंगा इतना। जब मैं बात करता हूँ तो कभी कभी मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली का है, मतलब मेरी गांव में, मेरी परिवार में, मेरे भाई, मेरे पापा, मेरे सगे वाले सबको, मतलब एक बार पानी लाके तो दो घंटे पानी आ जाता आ जाता है, तो इतना तो मेरे पास हुआ नहीं है। तो बता नहीं, बहुत लोग बहुत कुछ वो सोचता भी है, अरे चूतिया हगलाता है, बराबर डालर भी बराबर बोल नहीं पता है मीडिया के सामने, कि एक्टिंग करें कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक बार ट्राई भी कर लेता हूँ मैं। तो भोजपुरिया डांसर जो है, ये मैं फिल्म बना रहा हूँ, डायरेक्टर साहब है, और ये फिल्म का 24 मई दिल्ली में बड़ा स्टेज होगा, वहाँ पर हम जय श्री राम और ये दोनों फिल्म का, भोजपुरी और हिंदी फिल्म का, भोजपुरी और हिंदी फिल्म है, इन दोनों फिल्म को हम लेके उसका पोस्टर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और इसके बाद आने वाले कल, मतलब जैसा मई में करेंगे हम लोग, जून में बारिश 15 के बाद आएंगे, तो उसके पहले हम लोग शूटिंग का शेड्यूल हम लोग बना रहे हैं। उसका शूटिंग कुछ दिन दिल्ली में होगा, लखनऊ में होगा और अयोध्या में होगा। चलिए कल्याण जी, अपना कीमती वक्त के लिए धन्यवाद, और भविष्य के लिए जो भी योजनाएं हैं उसमें सफल हों। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, एक दिन फोटो बेटा भेज सर। अरे स्पीड फोटो ले लेना, मेरा मोबाइल इसमें। थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है, और इनके शो तो मैंने काफी सारे देखे, फर्स्ट हम लोगों ने एक इवेंट किया था ना साथ में, हाँ तब से जानती हूँ, काफी टाइम हो गया, और ये तो फर्स्ट थिंग, तो ये बहुत अच्छे इंसान है, सबका भला करते रहते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये भी जानूंगा कि आप प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाली हैं, क्या प्रोजेक्ट है, क्या किरदारी भागी है, दो प्रोजेक्ट इसका हिस्सा बनने वाली हैं, तो क्या प्रोजेक्ट है? अभी कल्याण जी के साथ मेरा एक प्रोजेक्ट बनने वाला है, शुरू होने वाला है शूट, उसमें मेरा सेकंड लीड में जो भी रोल रहेगा वो। अच्छा, मैंने एक साउथ की मूवी कर रही हूँ फिलहाल तो, और एक वेब सीरीज की है बस, और अभी कल्याण जी के साथ एक प्रोजेक्ट करने वाली हूँ। अच्छी लड़की है, अच्छी मॉडल है, अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छी डांसर है, तो
काफी सालों से हम लोग जुड़े हैं, तो मैं सर भाई क्या होता है, राजू सर क्या होता है, नया लोगों को मौका देते हैं और स्टार बनाते हैं। तो जो जो नया लोग जिनको बेसिकली जिनको काम नहीं मिल रहा है उनको हम काम दे रहे हैं, और जिनके पास काम है वो तो पता है ना घमंड से है, तो जिनके पास रियली काम नहीं है उनको हम बुलाए काम दे रहे हैं, और जिनके पास काम है उसको तो मेरा नमस्कार है, क्योंकि उसको वो धन में दे नहीं पाएगा जो वो धन मांगेंगे। तो ये शूटिंग हम लोग बहुत जल्द हम लोग शुरू करेंगे, और बहुत ही प्यारा दोनों फिल्म है, दोनों फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसका स्टोरी लिखा जा रहा है, और मतलब लिखा ही नहीं मतलब आधा तो हो ही गया है, बस शूटिंग हमें शुरू करना है बहुत जल्द, क्योंकि इसी साल में दोनों फिल्म को हमें लेके आना है, और इस फिल्म का पूरा मीडिया जो है आप लोग संभालोगे, पूरी आप लोग देखोगे, आज जितने भी आज आए हैं मीडिया, आपको पता ही है मेरे शो में 50-50 मीडिया आता है, और दिल्ली में हाँ एक बात बोल दूं मैं, दिल्ली में जो शो होता है ना उसमें मीडिया आते हैं और भाग जाते हैं, इस विषय में मैं मीडिया को धन्यवाद करता हूँ, मेरा बॉम्बे जी, तो तमाम जो मीडिया है इस मामले में मीडिया में बॉम्बे का मीडिया नंबर वन है, बॉम्बे की जो मीडिया है उनके लिए मैं सबको पकड़ जाता हूँ, कि दिल्ली की मीडिया में घूमता है आते हैं भाग जाते हैं, तो बॉम्बे का जो है भाई नंबर वन है, जब तक बोलता है वो रुकते हैं, वो मेरे साथ वो साथ देते हैं, एंड थैंक यू सो मच, हम धमाल करेंगे, थैंक यू, धन्यवाद, मैडम है, सर है, वरु है, और बाद में तो हम करेंगे भाई धमाल, गरम गरम चाय, अगली बार फ्लाइट चले जाएगी। यस यस यस।